बेटा जी पापा, मैं जा रहा हूँ काम पे, खाना खा लेना और ये लो पैसे और दरवाज़ा बंद कर लेना, ठीक है। भाई अपना रहा जमीन का कागजात, देख लो सही है सब तो ठीक है। छोटे क्या हुआ, सामने वाले पार्टी ने पेमेंट किया? बेटे को तो परेशान दिख रहा है। बहन चोद लोचा हो गया भाई अपना, एक काहे का लोचा छोटे? कुछ लोमड़ियों ने कब्जा करके बैठे अपनी जमीन पे। कौन है वो लोग, कोई ऑफिसर है? नहीं भाई, कुछ गरीब लोग हैं, उनकी इतनी औकात हो गई है भाई। भाई अभी एक अभी जाकर उनसे बोलो कि जमीन खाली कर दे हमारी। जी भाई, उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि हमारी जमीन पर कब्जा करेंगे, सिंघानिया की जमीन पर कब्जा करेंगे। और छोटे तू कर क्या रहा है, इतनी छोटी छोटी तू परेशानी मुझे लाकर सुनाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। जितनी जल्दी हो सके उनसे कहो कि हमारी जमीन खाली कर दें। छोटे गाड़ी निकाल, अभी एक अभी गाड़ी निकाल। भाई यही लोग हैं, बाप की जाकर समझ रहे भाई। छोटे अभी काबी बोल, बोल अभी काबी, अगर ये कानूनी वाले आज के आज कानून नहीं खालू किए तो बोल छह का छह राउंड अभी काबी जाकर उतार के आ। अगर अंडरवर्ल्ड में हमारा कोई बेइज्जती या कोई इंसल्ट हुई तो तुझे तेरी खोपड़ी में ये छह गोली उतारूंगा। जा भाई होने का फर्ज अदा कर, अभी काबी भाई होने का फर्ज अदा कर। और कौन हमारी प्रॉपर्टी पर हुकूमत जमा कर बैठा है उसको बोल कि सिंघानिया का खौफ नहीं उसके अंदर है। अगर सिंघानिया का खौफ नहीं है तो किसका खौफ है? जा छोटे। क्या रे कान खजूरे, चल खाली कर रूम, चल तू भी जा। ओ भाई ये सब क्या है? ए लड़की इधर आ। महान व्यक्तिवत पढ़ रही है। महान व्यक्तिवत छोटे, महान व्यक्तिवत कहा करोगी पढ़ लिख कर? मेरे माँ बाप का सपना है कि मैं सर पुलिस ऑफिसर बनूं। का सपना है? मेरे माँ बाप का है सपना कि मैं आईएएस पुलिस ऑफिसर बनूं। छोटे इधर ला, ऑफिसर बनेंगे भैया। आईएएस ऑफिसर बनेगी रे पगले। अच्छा चल तो करो, जब आईएएस ऑफिसर बनेंगी तो हमारे सर पे बैठ के वो घोड़ी नहीं थे ऐसे ऐसे डांस करेंगी ऐसे ऐसे। ये लड़की बहुत से लोग इस कॉलोनी में आईएएस ऑफिसर बनने वो क्या बोलते ट्रेनिंग कर रहे थे, सालों की टांगे काट के ना बैसाखी पे बैठा दिया। ए छोटे वो एग्जाम्पल पेश कर, उसका क्या नाम था, सलमा आगा, आज भी कह रही का मुझे लोग कहते कदमों की धूल। कदमों की धूल बनोगी का? सिंघानिया साहब के कंधे बैठकर कदमों की धूल बना दें, किसर का ताज बना दें। छोटे आज किया जो रभी के अभी कानून खाली करा। हाँ भाई थोड़े लड़के किताब पढ़ दे। हाय कहाँ लिखा है इसमें, पकड़ बुरभगे हो का एकदम। और सुन लड़की, तुम्हारे माँ बाप हमारे यहाँ गुलामी किए थे और तुम भी करोगी, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना दिल से निकाल दो क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा है। और तुम्हारे जैसे गरीब लोग कभी कुछ नहीं कर सकते, कभी कुछ नहीं कर सकते। चल छोटे बहुत आई आए ऑफिसर बनने, जा रूम खाली करा।
क्या हो रहा, ये सब क्या हुआ? सिंगानिया के आदमी आए थे, सब कुछ खाली करवा के चले गए। क्या सिंगानिया के आदमी? अरे पिताजी, आपको क्या हो गया? आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपको क्या हो गया पिताजी? दर्द हो रहा है। पिताजी आपको क्या हो गया? पिताजी आपको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। बताइए क्या हुआ आपको? बेटा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई, मुझे ब्लड कैंसर है। क्या आपको ब्लड कैंसर है? हाँ हाँ बेटा। पिताजी आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? बेटा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुझे कोई परेशानी हो। तो आपने इलाज क्यों नहीं कराया? मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, जो भी पैसे थे मैंने तेरी पढ़ाई में खर्च कर दिए। बेटा मैं कुछ ही पल का मेहमान हूँ। क्या? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ऐसा ही है। बेटा तुम मुझसे एक वादा कर, तू आईएएस ऑफिसर बनकर दिखाएगी और गरीब लोगों की मदद करेगी। पिताजी आप टेंशन मत लो, मैं आईएएस ऑफिसर बनके दिखाऊंगी। पिताजी पिताजी आपको क्या हो गया? पिताजी आपको क्या हो गया? पिताजी आपको क्या हो गया? पिताजी पिताजी आपको क्या हो गया? पिताजी आपको क्या हो गया? मेरे खुदा मेरे खुदा सुन भी ले तू जरा, वक्त से कह दे तू ये तुम के ढले। हाँ जी मैडम, क्या चाहिए आपको? वो मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। ठीक है मैडम, मैं अभी लगवाता हूँ। सुनिए सुनिए, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम लोग वही हो ना जिसे सिंगानिया ने बाहर निकाला है? हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं बर्तन धुल दूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, जो आप बोलेंगे मैं वो कर लूंगी, लेकिन मुझे खाना चाहिए। ओए दिमाग खराब है तेरा, मैं तुझे खाना दूंगा, निकल यहाँ से। कहाँ से कहाँ से आया था? सारा बर्तन ही रखा रह जाता है। नहीं यार, ये भी यहीं तक बैठी, अभी गई नहीं। ओए, तू भी गई नहीं, यहाँ पे बैठी हुई है? मैंने तेरे को भगाया था ना, निकल जाए यहाँ से वरना तुझे धक्के मार के निकलवाऊंगा, निकल यहाँ से। ऐसा मत करिए मेरे साथ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अभी अभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। देहांत हो गया? अरे यार ये तो बहुत परेशान लग रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है 2 मिनट बैठो, मैं मालिक से बात करके आता हूँ। ठीक है 2 मिनट में आता हूँ। मैंने मालिक से बात कर ली है, वो तुझे काम दे देंगे, तुझे सैलरी भी देंगे और खाने को भी देंगे। उठ जाओ, चलो बुला रहे हैं।
जो नाल मेरे खड़ गए मैं सदके जाता हाँ, जो छट गए पहला ना दा शुक्र मनोदा हाँ, ना फुकर पुणा करिए ना हवा मार दे हाँ, बस रोटी दो पल दी रब नू अरदास ही कर दे हाँ, नत किस्मत नू। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मालिक बुला रहे, कब से काम है वहाँ पे? ना अभी तो गई थी काम करने। हाँ तो कस्टमर आ रहे हैं बार बार, देख उधर। और ये क्या कर रही है तू? पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रही है? किस लिए पढ़ाई कर रही है? मुझे IAS ऑफिसर बनना है और मेरे पिताजी का सपना था मैं ऑफिसर बनकर गरीबों की मदद करूँ। अरे वाह क्या बात है, मुझे गर्व है तुझ पे कि तू अपने पिताजी के सपने पूरे करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है चल, ठीक है मैं आगे काम करके आता हूँ। अरे भाई वो तो वही लड़की उस दिन वाली, इसके हाथ में फिर आज किताब होता है भाई। छोटे गाड़ी से बाहर निकल। भाई आपकी बात इसकी खोपड़ी में घुसने नहीं लग रहा है, इसको समझाना ही पड़ेगा, अच्छे से ही लग रहा है। क्या रे तेरी समझ में नहीं आ रहा ला? हाँ छोटे तुझे जो करना है वो कर। करना क्या है भाई, छे की छे उतारना खोपड़ी में बस। छोटे ये गरीब लोग हैं, कीड़े मकोड़े, ये पढ़ लिखकर आसमान छूना चाहते हैं, मगर हम इसे आसमान छूने नहीं देंगे। इनको आसमान छूने से पहले इनका पर हम कसर देंगे। छोटे इसकी साइकिल उठाकर पटक। ए रघु किताब निकाल इसकी। लो भाई। समझ में नहीं आ रही लग रहा है, चल छोड़ना साइकिल वाइकल, छोड़ना, हटना 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 भाई, हटना, तोड़ दे। ए लड़की इधर है ना, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ इस बार छोड़ रहा हूँ, दोबारा दिखना नहीं, साइकिल के साथ तेरे को भी तोड़ दूंगा। चलो भाई। मैडम आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है अंदर भेज दो। ठीक है मैडम। मैडम बुला रही है अंदर। छोटे का देख मैडम अपोर साइन करने। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मैम हमारी प्रॉपर्टी के ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इस शहर में हम बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसमें हम कि गरीबों को काम दे सकें, उनकी मदद कर सकें। आपकी साइन चाहिए मैम इस पे। तुम लोग गरीबों की मदद करोगे, उनको काम दोगे? मैम आप हंस क्यों रही हैं? शायद तुम लोगों ने पहचाना नहीं,
जिसकी कुछ समय पहले तुम लोगों ने बेइज्जती की थी और उसकी साइकिल तोड़ी थी, मैं वही लड़की हूँ। क्या भाई, ये तो वही लड़की है इसकी अपन साइकिल तोड़े थे। मैडम अगर ऐसी बात है तो साइन मत करिएगा। मैं नहीं साइन करूंगी। तुम लोगों ने क्या कहा था कि हम गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, आज देखो मैं IAS ऑफिसर हूँ। इंसान चाहे तो ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है, बस उसके अंदर जुनून होना चाहिए। तुम लोगों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने अपने सपनों पे ध्यान दिया। सॉरी मैडम, हमने काफ़ी आपको परेशान किया, गरीबों को भी परेशान किया, इसके लिए हम माफ़ी आपसे मांगते हैं। और अगर आप आज इस प्रोजेक्ट पे साइन नहीं करेंगी तो हम लोगों का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा और हम लोग रोड पर आ जाएंगे। आपसे विनती है, निवेदन है कि आप इस पर साइन कर दीजिए वरना हम लोग रोड पर आ जाएंगे। मैडम क्या नुकसान हो जाएगा? तुम लोगों ने किसी गरीब के बारे में सोचा है जो तुम्हारे बारे में हमें सोचूं? मैं ये साइन नहीं कर सकती। गिरफ्तार करा लो इन लोगों को, आइंदा किसी गरीब के साथ ऐसा ना करें।